प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शनिवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने जयपुर पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ही मंच पर पहुंचे, उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगने लगे। एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह और दूसरे अतिथि जैसे ही मंच पर आए, कुछ छात्रों ने थोड़ी देर के लिए मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह यहां छात्रों को लेक्चर देने पहुंचे थे, जिसका टॉपिक था भारत में लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत हो सकें। लेकिन नए भारत में लोकतंत्र की जड़ें अब ऐसी हैं कि वो अपना विरोध भी नहीं सह पा रही हैं। बता दें कि हाल ही में जीडीपी की दर 5% रहने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत दी थी, जिसके बाद पूरी मोदी सेना पूरे लाव लश्कर के साथ उनके खिलाफ उतर आई और जमकर मनमोहन सिंह को निशाना बनाया गया था। अब ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय से, जहां मोदी के फैन छात्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये देखकर भी शांत खड़े रहे और अपने नेचर के मुताबिक शांति से मंच पर अपनी बात रखने लगे, और जिस मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, सीधे उस मसले पर अपनी बात रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ JKLU लॉरेंट अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीतियों पर खड़े किए गए आर्थिक सुधारों को जारी रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि एक सोची समझी रणनीति से ही भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सकता है, जो पीएम मोदी का लक्ष्य है, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि गरीबी, सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद और भ्रष्टाचार लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। देश के भले के लिए पहले इन चुनौतियों से निपटना होगा, जिसके बाद ही देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।